एक बड़ी जीत बौचाहा उपचुनाव में भी मिला और इसमें भी मिला, और खास तौर पे सीमांचल में ज्यादातर सीटें कांग्रेस को दी गई थी और सीमांचल के इलाके से इतनी संख्या जो हमको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो अब तीसरा बिंदु ये है कि हम सीमांचल में भी अब मजबूत हो चुके हैं और सीमांचल का इलाका बड़ा गरीब इलाका है। अभी आप देखिएगा बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और हमारे चारों विधायकों से बात हुई है, ये लोग सब लोग चिंतित हैं इस बात को लेकर के, सीमांचल के विकास को लेकर के, और हम लोग जल्दी ही सीमांचल के विकास को लेकर के एक बड़ी लड़ाई भी लड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों के पार्टी के एजेंडा में सीमांचल विकास आयोग बनाने का बात था, उसको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे कि सरकार जो है सीमांचल के लिए अलग से आयोग बनाए विकास को लेकर के, जो उसका मूल्यांकन करे और सही सलाह देते हुए कहाँ क्या कमी है उसको पूरा किया जाए, उसी हिसाब से बजट का पैसा जो है सीमांचल के इलाकों में भी खर्च होना चाहिए। और जल्दी ही चारों विधायकों ने हमसे बात की और बोला कि आपको सीमांचल के दौरे पर आना चाहिए, तो हम शीघ्र ही, क्योंकि बाढ़ की भी स्थिति खतरनाक है, वो भी स्थिति को भी हम लोग देखेंगे, सीमांचल के गरीब जो लोग हैं उनसे भी हम लोगों की मुलाकात होगी, बात होगी, तो शीघ्र ही जल्दी हम सीमांचल के भी दौरे पर हम जाएंगे। और सीमांचल ने शुरुआत से ही लालू जी का वो इलाका रहा है, लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग, सीमांचल का इलाका तो एक फर्टाइल इलाका, मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों के अपील पर, लोगों के मांग पर, समय के मांग पर इन चारों विधायकों ने निर्णय लिया, और हम इन सभी लोगों का पुनः दिल से बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं। और आज पहली बार राष्ट्रीय जनता दल में जुड़ने के बाद पहली बार पार्टी कार्यालय आए हैं, तो इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू जी ने इन सभी विधायकों को सम्मानित किया है और जल्द ही सीमांचल को लेकर के अध्यक्ष जी, चाहे सदस्यता अभियान की बात हो, अब हमें पूरा विश्वास है कि अब चार और विधायक आए हैं उस इलाके में, तो जो सदस्यता अभियान है इन चारों विधायक जो है वहाँ तेज़ी से चलाने का भी काम करेंगे, अभियान करेंगे, और हम सब लोग मिलकर के सीमांचल के जो मूल सवाल है उसका समाधान खोजने की कोशिश करें। तो और कोई इससे जुड़ा हुआ अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।